गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम रेजिस्टिविटी है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसके बारे में डील करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देख रखा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है और किन किन फैक्टर्स पे एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मटेरियल। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द थर्ड वन इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड द फोर्थ इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अगर हम लोग सेकंड और थर्ड को याद करें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। सो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो वी विल गेट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। इफ वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो हम लोग एक कॉन्स्टेंट पुट करते हैं, दैट कॉन्स्टेंट इज रो। हेयर रो पी की तरह बनाएंगे, रो रो इज दिस रो इज कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। सो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए वेयर रो इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। नाउ वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज रो एल अपॉन ए। अगर इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ R है और यहाँ रो है। ये रेजिस्टेंस हम पहले पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम समझ रहे हैं क्या होता है, लेंथ हम समझ रहे हैं क्या होता है। अगर इस फॉर्मूला में हम L के जगह पर 1 मीटर पुट कर दें, इफ वी हैव अ वायर ऑफ 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 1 मीटर स्क्वायर देन R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सो R इज इक्वल टू रो 1/1 दैट इज R इज इक्वल टू ए। सो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। सो वी कैन डिफाइन रेजिस्टिविटी एज रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आपको एग्जाम के पर्पस में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने कहा जाए तो आप रेजिस्टिविटी को इस तरह से ही डिफाइन करोगे कि रेजिस्टिविटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो इक्वल होता है रेजिस्टेंस के कब, जब कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। बट अभी हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी आ गया है, एक रेजिस्टेंस मिला है और एक रेजिस्टिविटी मिला है। अभी हम क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस तो था ही हमारे पास पढ़ने के लिए, अब रेजिस्टिविटी क्यों, रीजन क्या है रेजिस्टिविटी पढ़ने का। इस बात को आप एक एग्जांपल समझ लो कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, लेकिन यहाँ जो मैंने रो लिखा है, रो इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कॉन्स्टेंट है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सपोज आई हैव टू कॉपर वायर ऑफ डिफरेंट लेंथ, एक कॉपर वायर का लेंथ 1 मीटर है, दूसरे कॉपर वायर का लेंथ 10 मीटर है, तो आप जानते हो कि रेजिस्टेंस जो होगा 10 मीटर वाले का ज्यादा होगा। अब अगर सपोज करो कि हमारे पास 1000 मीटर कॉपर वायर है और 1 मीटर आयरन वायर है, अब तुमको बोले कि इन दोनों के बीच में कंपेयर करो कि इन दोनों में बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन होगा या इन दोनों में किसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो आप बोलोगे कि सर आयरन का लेंथ छोटा है एज कम्पेयर टू कॉपर, अगर दोनों 1-1 मीटर होता तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता एज कम्पेयर टू आयरन वायर, लेकिन यहाँ पर तो कॉपर बहुत ज्यादा है, सपोज करो कि 1,00,000 मीटर लंबा है, तो हम कहेंगे वहां पर कंफ्यूज होंगे कि बोलेंगे कि नहीं ऐसा है कि कॉपर का रेजिस्टेंस इस केस में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आयरन वायर, तो यहाँ पर तो बात बिगड़ गया, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए हम लोग आयरन का यूज करते हैं, कॉपर का यूज नहीं करते हैं। तो अगर हमको आयरन मटेरियल और कॉपर को अगर डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कौन अच्छा कंडक्टर बन सकता है, किससे इजिली करंट हम फ्लो कर सकते हैं या किसकी मदद से हम हीटिंग डिवाइसेस बना सकते हैं, तो इसके लिए रेजिस्टेंस कारगर नहीं है। रेजिस्टेंस से हम दो कंडक्टर जो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लेंथ और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टेंस जारी करता है। सो जो हमारे फिजिस्ट हैं उन्होंने सोचा कि एक ऐसा भी फिजिकल क्वांटिटी बनाया जाए आफ्टर रेजिस्टेंस
जो दो मटेरियल को, दो अलग अलग मटेरियल के बने हुए कंडक्टर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करे, एंड दैट डिफरेंस गिव्स अस रेजिस्टिविटी। सो आप अभी रेजिस्टिविटी को कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ऑल्दो रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकल इक्वल टू रेजिस्टेंस, बट आप फिजिकल लैंग्वेज में रेजिस्टिविटी को कह सकते हो कि रेजिस्टिविटी को कह सकते हो कि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और कंडक्टर विच हिंडर द फ्लो ऑफ करेंट, और द हिंडर और द एब्स्ट्रक्शन इन द करेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रुकावट को रेजिस्टेंस, और जिस प्रॉपर्टी के वजह से रुकावट हो रहा है वो रेजिस्टिविटी। ये दूसरा डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी का। अब अगला अगर डेफिनेशन देखें तो हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। पहले हम लोग दो कंडक्टर लेते हैं, ऑल दो हमारे पास जो भी कंडक्टर होते हैं, वायर होते हैं, वो सिलेंड्रिकल होते हैं, बट हम एक क्यूबिकल वायर अज्यूम कर रहे हैं, इस मटेरियल का बना हुआ कंडक्टर अज्यूम कर रहे हैं। हमारे पास ये एक क्यूब है, और एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है। अगर इस दोनों क्यूब को देखोगे तो इसका डायमेंशन जो है वो 1 × 1 × 1 है, लेंथ 1, ब्रेथ 1, हाइट भी 1। ये जो वायर है ये कॉपर का है, ये जो कंडक्टर है ये कॉपर का कंडक्टर है, ये कंडक्टर जो है वो आयरन का कंडक्टर है। अब चूंकि इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ सेम है, इसका मतलब इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो 1 m² होगा, और इसका लेंथ जो होगा वो 1 m होगा। तो हम कॉपर वायर में ये लिख सकते हैं कि कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, इस केस में रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर जो होगा वो इक्वल होगा रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर, क्योंकि दोनों का लेंथ तो 1 है, ये भी 1 m है, ये भी 1 m है, ये भी 1 m है। अभी मैंने न्यूमेरिकली डिफाइन किया है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इफ वी हैव यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ, एंड हियर वी हैव यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस एरिया इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एच इंटू बी, 1 m² एंड लेंथ इज ऑल्सो 1 m। सो आर रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, एंड इन केस ऑफ आयरन कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर मस्ट बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन। आयरन के रेजिस्टिविटी के बराबर होगा रेजिस्टेंस। ये बात हम समझ रहे हैं जो यहाँ न्यूमेरिकली इक्वल का जो कंसेप्ट पढ़ा था उससे। एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए, 1 m लंबा अगर कॉपर वायर हो और 1 m लंबा अगर आयरन वायर हो, तो जब उससे करंट पास किया जाता है तो देखा जाता है कि 1 मिनट के बाद जो आयरन का कंडक्टर होता है वो हीट ज्यादा होने लगता है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो एक्सपेरिमेंटली हमको पता है, एक्सपेरिमेंटली हम क्या जानते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है आयरन का वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। इट मीन्स दैट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन कंडक्टर is greater than the resistance of copper, then we can say that resistivity of iron is greater than resistivity of copper. अब यहाँ से जैसे हमको मालूम पड़ गया कि resistivity जो होता है वो iron का ज्यादा होता है as compared to copper, तो अब कोई भी material हमको दिया जाए, कितने हो length का दिया जाए, कितने हो area of cross section का दिया जाए, अगर दोनों में compare करने की बात आएगी तो हम ये बोलेंगे कि iron का resistivity ज़्यादा होगा as compared to copper, because the resistivity of any material does not depend upon length or area of cross section. So basically resistivity helps us to compare between two conductor of different material on accounts of conductivity, on accounts of which one is good choice for passing more and more electricity. Now we have defined the very third definition of resistivity, that is resistivity can also be defined as equal to resistance offered by a cube of side 1 m across opposite faces. Now it help us to compare between two conductor of different material, as I have told you. Now this is all about resistivity. अगेन अगर आप फिजिकली डिफाइन करना चाहते हो तो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट, एंड रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच द कंडक्टर ऑफर रेजिस्टेंस। और इफ यू डिफाइंड इन मैथमेटिकल वे देन यू कैन यूज दिस न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। दिस टू वे इज मोर एप्रोप्रिएट इन ऑर्डर टू डिफाइन रेजिस्टिविटी इन स्टैंडर्ड टेंथ। ना अगर हम लोग इसे रेजिस्टिविटी पढ़ रहे हैं तो ये तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो
इसका यूनिट तो होना ही चाहिए, हमने फॉर्मूला देख लिया है तो यूनिट भी देख लेते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, जो कि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन एल होता है, तो यहाँ से रो का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये ए यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल, आर इंटू ए बाई एल। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज मीटर, दिस मीटर गेट कैंसिल, इट शुड बी ओमेगा इंटू मीटर, ओमेगा इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ रो इज ओम इंटू मीटर और ओमेगा इंटू मीटर। दिस इज अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ अगर आप पे देखे होगे तो अभी हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो यहाँ से हम कुछ यू लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, क्योंकि हमारे पास जो भी वायर होता है वो वायर किस फॉर्म में होता है, तो वो वायर सिलेंड्रिकली मोर अप्रोप्रिएट 90% केसेस में तो वायर हमारे पास जो होता है वो सिलेंड्रिकली होता है, इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह पे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर लिख सकते हैं जो कि उसका पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का वैल्यू न्यूमेरिकल सेक्शन में इस समय रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं और रो का वैल्यू आर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, सेम वे में रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है। सो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो। अब एसआई यूनिट देखेंगे तो ठीक उसका इन्वर्स होगा, रेजिस्टिविटी का ओमेगा इंटू मीटर, इट इज ओमेगा इंटू मीटर इनवर्स, यानी ओमेगा मीटर माइनस वन, या फिर इसको सेवन पर मीटर भी लिख सकते हैं हम। अब ये है कि हमको रेजिस्टिविटी मालूम पड़ गया और रेजिस्टिविटी का काम क्या है, रेजिस्टिविटी कैसे अलग है रेजिस्टेंस से वो मालूम पड़ गया। अब ये जरूरी है कि हम ये समझे कि रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर का किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर का दो फैक्टर पर ही डिपेंड करता है, पहला फैक्टर जो होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल होता है, कौन सा मटेरियल आपने चूज किया है। अगर हम मेटालिक कंडक्टर के बारे में बात करें तो मेटालिक कंडक्टर में लो रेजिस्टिविटी होती है और रेजिस्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर होता है। जैसे आप एग्जांपल लिख लें, कॉपर का रेजिस्टिविटी जो होता है 1.62 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर होता है। एलॉय की बात करें, रेजिस्टिविटी इसकी हाई होती है, चूंकि एलॉय का बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट में, इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम देते हैं, वी विश टू कन्वर्ट इट इंटू हीट, therefore resistivity of alloy is obviously greater than conductor or more, or we can say that high resistivity of the conductor should be high. तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर हाई होता है, इसका जो ऑर्डर होता है मैग्नीट्यूड का वो 10⁻⁴ से 10⁻⁵ के फॉर्म में होता है। नेक्रोम का 10⁻⁴ दैट इज 1.0 × 10⁻⁴ मीटर के बराबर होता है। इंसुलेटर तो इंसुलेटर है, मतलब उसमें करंट पास होता नहीं है, तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी सबसे हाई होगी और उसकी रेजिस्टिविटी वैरी करती है 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁷ तक, इतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है। इसका मतलब आप जितने हो ज़्यादा पीडी क्यों ना प्रोवाइड कर दो एक लकड़ी के टुकड़े में आसपास, वो कभी भी अगर लकड़ी ड्राई है तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अगर ग्लास की बात करें तो ग्लास का जो रेजिस्टिविटी होता है वो होता है 1.0 × 10⁻¹⁴ ओम इंटू मीटर। पहला फैक्टर्स जिस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है वो है आपको नेचर ऑफ मटेरियल। जो दूसरा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर का डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है हम लोग वो समझेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग अलग अलग बात करेंगे मेटालिक कंडक्टर और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अलॉय की, उसके बाद बात करेंगे हम लोग सेमी कंडक्टर की। तो मेटालिक कंडक्टर की अगर बात करें तो टेम्परेचर पर अगर डिपेंडेंस की बात करें तो पहले हम लोग मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले मेटालिक कंडक्टर की, तो मेटालिक कंडक्टर की पहले बात कर लेते हैं। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम किसी मेटालिक कंडक्टर का
टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने लगती है। इस बात को आप पे इस तरह से समझ सकते हो कि आपके पास अगर मेटालिक कंडक्टर है, उस मेटालिक कंडक्टर में आपने क्या किया, तो उस मेटालिक कंडक्टर में आपने हीट दिया, उस मेटालिक कंडक्टर को आपने हीट दिया, तो मतलब उस मेटालिक कंडक्टर का आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मोर टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा, इट मीन्स क्या, ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, मोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन, वी कैन प्रिसाइसली से दैट फ्री इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसका मतलब ऑक्सीलेशन बढ़ेगा, मोर ऑक्सीलेशन, किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीलेशन ज़्यादा होगा। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीलेशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन का, मोर कोलिजन। और जब मोर कोलिजन होगा इट मीन्स व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन का जब मोर कोलिजन होगा तो लेस मोबाइलिटी होगा, मोबाइलिटी मतलब मोबाइल से बना है मोबाइलिटी, मोबाइलिटी का मतलब होता है एक जगह दूसरी जगह जाना, तो मोबाइलिटी कम होगी, इसका मतलब रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, रेजिस्टिविटी मोर। इसको आप इस तरह से फ्लो चार्ट में याद रख सकते हो कि किसी मेटालिक कंडक्टर का जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है, जब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, उससे ऑक्सीलेशन ऑक्सीलेशन एटम का इंक्रीज होता है, कोलिजन बढ़ता है और मोबाइलिटी लेस होती है, रेजिस्टिविटी बढ़ने लगती है। अगर हम बात करें एलॉय का, तो एलॉय में कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है टेम्परेचर बढ़ाने से, स्लाइटली चेंज होता है, स्लाइटली इंक्रीज, वी कैन से डैट स्लाइटली इंक्रीज, और इंक्रीज ना भी होता है, बराबर भी रहता है लेकिन इंक्रीज होता है तो अगर स्लाइटली ही इंक्रीज होता है। अगर थर्ड की बात करें तो वह हमारे पास सेमी कंडक्टर है, तो सेमी कंडक्टर के बारे में अगर बात करें तो सेमी कंडक्टर का एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि सेमी कंडक्टर में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस घटता था, यहाँ पर भी सेम है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं तब क्या होता है, तब जो रेजिस्टिविटी होता है वो डिक्रीज होने लगता है, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसका रीज़न आप यूँ समझ सकते हो कि लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर जो होता है वो एक्ट करता है नॉन मेटल के जैसे, और उसका फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है सेमीकंडक्टर को वो ट्रैप होता है एटम के बीच में, एटम का जो अरेंजमेंट होता है एटम के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रैप्ड होता है। जैसे ही आप टेम्परेचर देते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो ये ट्रैप्ड एटम होता है इसको एनर्जी मिलता है, और ये ट्रैप एटम, एटम को जो एटम के बीच में ये ट्रैप होता है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर लेता है ऑक्साइड एनर्जी से, और उस ट्रैप से वो बाहर निकल जाता है और फ्री हो जाता है मूव करने के लिए, जिसके वजह से सेमीकंडक्टर का हायर टेम्परेचर पे और रूम टेम्परेचर वी कैन से दैट ये एक्ट करने लगता है एज अ कंडक्टर। सो वी कैन से दैट the resistivity of semiconductor decreases on increasing temperature because at low temperature the semiconductor behaves as non-metal and the free electron trap in the atom. On increasing the temperature, electron gains sufficient energy to escape as the free electron more available to move inside the semiconductor, so its conductivity increases. यहाँ पर हम उस चीज़ को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा होता है। इसके बाद हमारा इसी के अंदर न्यूमेरिकल सेक्शन बनाने के लिए छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको आप याद रखोगे तो आपको न्यूमेरिकल सेक्शन काफ़ी ईजिली बन जाएगा और आपको क्वेश्चन बनाते समय भी सहूलियत होगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको यहीं पर अभी हम लोग कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपके पास से वायर है, उस वायर का आपको रेजिस्टेंस निकालने कहा जाता है, आपके पास दो वायर होता है और दो वायर का रेजिस्टेंस निकालने कहा जाता है, कब, जब वायर को कट करते हैं या जब वायर को स्ट्रेस करते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ कटिंग ऑफ वायर देख लेते हैं, पहले कटिंग ऑफ वायर की बात कर लेते हैं, कटिंग ऑफ वायर में भी पहले हम लोग देखेंगे कि न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको वायर का, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास एक मीटर कॉपर वायर था और उस एक मीटर कॉपर वायर का रेजिस्टेंस R1 था,
आपने क्या किया, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस डबल कर दिया, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस डबल कर, कॉपर वायर का लेंथ डबल कर दिया, सॉरी कॉपर वायर का लेंथ डबल कर दिया। पहले लेंथ कितना था, एल था, तो रेजिस्टेंस L1 था, रेजिस्टेंस था R1। आपने जब डबल किया, जब आपने डबल कर दिया लेंथ को, 12 कर दिया, या रेजिस्टेंस को आपने L2 कर दिया, नया लेंथ ले लिया, तो रेजिस्टेंस कितना होगा आपको निकालना है। एक रिलेशन बना देंगे हम लोग सिर्फ यहाँ पर, उस चीज को देखो। तो ये कटिंग ऑफ वायर की ही हम बात कर रहे हैं, और कटिंग ऑफ वायर में इस बार हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम मान रहे हैं। हमारे घने वायर आता है ना मोटा पतला, तो हम 1 mm का वायर मान रहे हैं। बस पहली बार लेंथ L1 लिया, अगली बार लेंथ L2 लेंगे। आप इसका यह समझो कि जब मैंने लेंथ L1 वायर का लिया तो उसका रेजिस्टेंस था R1, जब मैंने वायर का लेंथ L2 लिया तो रेजिस्टेंस था उसका R2। अब अगर आप थोड़ा समझ रहे हो तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि रेजिस्टेंस R1 का वैल्यू कितना होगा। R1 जो होगा वो रो L1 अपॉन A होगा, क्योंकि रो तो सेम होगा, सेम वायर है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, सेम कॉपर है तो कॉपर ही वायर लिया, वायर को, वायर का नेचर सेम है, वायर का नेचर सेम है, तो नेचर सेम है मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगा। तो R1 रो L1 अपॉन A, और अगर R2 निकालना जाए तो R2 शुड बी रो L2 अपॉन A। अगर दोनों को डिवाइड कर दे, डिवाइड करने में क्या मिलेगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर डिवाइड कर लें तो साथ ध्यान से देखना, डिवाइड करने पे हमको रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और ये मिलेगा L1 अपॉन L2। तो अगर हम वायर को कट कर रहे हैं पीसेस में, तब रेजिस्टेंस R1 अपॉन R2 मस्ट बी इक्वल टू L1 अपॉन L2। इन केस ऑफ एरिया, अगर इसमें ये पहला था जिसमें हम कटिंग ऑफ वायर की बात कर रहे थे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रख रहे थे, अगर इसमें हम बी निकालें, बी बनाए, जिसमें न्यू रेजिस्टेंस वायर का निकालने जाएंगे लेकिन लेंथ सेम रखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंजिंग करेंगे, तब R1 अपॉन R2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा A2 अपॉन A1 के। हम इसका डेरिवेशन आप कर सकते हो, सेम वे में डेरिवेशन भी होता है, सेम रखोगे, लेंथ सेम रहेगा, ये A1 एरिया, R1 रेजिस्टेंस, A2 एरिया, R2 रेजिस्टेंस, R1 रो L को L रखेंगे, A1 R2 रो L को L रखेंगे, A2, जब डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। दिस इज कटिंग ऑफ वायर। अब जरूरी नहीं कि वायर को कट करके ही हम ऐसा करें, हम वायर को स्ट्रेच भी कर सकते हैं। जब वायर को स्ट्रेच करते हैं तब क्या फॉर्मूला आता है न्यू रेजिस्टेंस का, वो हम लोग अभी देखते हैं। सेकेंड नंबर हमारा जो है वो है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। अगर हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तब क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रेचिंग ऑफ वायर देखेंगे। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, वायर को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, तो अगर हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो आप इसको एग्जांपल के तौर पर यूँ समझो कि आपके पास एक वायर था जिसका लेंथ जो था वो आपको L1 था, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो A1 था। इस वायर को मैंने स्ट्रेच कर दिया, इस वायर को खींच दिया, खींच के इसका लेंथ चेंज कर दिया, इसलिए पतला हो गया, क्योंकि मैंने खींच के इसका लेंथ चेंज किया है, इसलिए वायर का, वायर जो था उसका लेंथ इंक्रीज हुआ बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो गया, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन होता है, L2 हो गया ये। इस केस में अगर आपको रेजिस्टेंस, सपोज करो पहले इसका रेजिस्टेंस R1 था, अब इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो आपको R1 R2 के बीच में रिलेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ लेंथ और इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, आप डेरिवेशन भी कर सकते हो। डेरिवेशन करते समय आपको यह ख्याल रखना है कि दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। ये इसका अगर आप वॉल्यूम निकालने जाओगे तो इसका वॉल्यूम A1 इंटू L1 होगा, इसका वॉल्यूम निकालने जाओगे L2 इंटू A2 होगा। इस रिलेशन से आप रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट मान के लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की का रेजिस्टेंस पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा वो निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देते हैं, हम जो लास्ट में जब हम सॉल्व किए तो फार्मूला जो निकलेगा वो होगा R1 अपॉन R2। R1 इसका रेजिस्टेंस है, R2 इसका रेजिस्टेंस है, शुड बी इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। माइंड इट, जब वे वायर को कट करते थे तो इट शुड बी L1 अपॉन L2 डायरेक्टली, बट जब स्ट्रेच करेंगे तो L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। बस याद रखेंगे कि जब वायर को स्ट्रेच करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब जब हम लोग वायर को कट करेंगे तो होल स्क्वायर नहीं होगा। डेरिवेशन चाहे तो आप खुद से कर सकते हैं, और डेरिवेशन आप करके देखें कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, दोनों डेरिवेशन आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो।